और कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ को सेना ने नाकाम कर दिया है और एनकाउंटर में दो आतंकियों को मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में सेना और पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन में मुठभेड़ के दौरान दो आतंकियों को मार गिराया गया और एक आतंकी को सेना ने गिरफ्तार भी कर लिया। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच करीब 3 घंटे तक गोलियां चली। मारे गए दोनों आतंकियों के नाम साजिद और बिलाल हैं। ये दोनों आतंकी पाकिस्तान के रहने वाले थे। तीनों पाकिस्तानी आतंकी पीर पंचाल इलाके से घुसपैठ कर कश्मीर में दाखिल हुए थे। ये आतंकी साउथ कश्मीर जाने की फिराक में थे। आतंकियों के पास से AK-47 सैटेलाइट फोन और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। इलाके में अभी कुछ और आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इमरान सरकार के लिए पाकिस्तान में मुश्किलें हर दिन बढ़ रही हैं। अब विपक्ष के नेताओं ने कोरोना की चिंता किए बगैर जगह जगह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इमरान खान की सरकार विपक्ष को रोकने के लिए हर दिन नई कोशिशें करती है, लेकिन विपक्ष के नेता अलग अलग शहरों में विशाल रैली कर रहे हैं। विपक्ष की रैली रोकने के लिए इमरान सरकार पूरी कोशिशें कर रही है। कोरोना की बात कहकर इमरान सरकार ने विपक्ष की रैली रोकने की कोशिश की। धमकी के बावजूद विपक्ष के नेता रैली कर रहे हैं। लाहौर में विपक्ष के नेताओं ने भारी भीड़ को संबोधित किया। इससे पहले इमरान सरकार ने रैली स्थल के पास कोरोना वायरस स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया था और नियम के खिलाफ जाने वालों को जेल भेजने की धमकी तक दी थी। बावजूद इसके भारी संख्या में लोग विपक्ष की रैली में पहुंचे थे। और इस वक्त की एक अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर आ रही है नाइजीरिया से। नाइजीरिया में बोको हराम का नरसंहार सामने आया है। आतंकी संगठन बोको हराम ने की है 27 लोगों की निर्मम हत्या। आतंकियों ने 1000 घरों को आग के हवाले कर दिया, उन्हें जला दिया। हमले के बाद से सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं और आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों का आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है। और अमेरिका में जो बाइडेन और ट्रंप के समर्थक आमने सामने आ गए, ट्रंप के समर्थन में हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए, जिसके बाद हिंसक झड़पें शुरू हो गई। सबसे बड़ा प्रदर्शन अमेरिका के वॉशिंगटन DC में हुआ, जहां बाइडेन और ट्रंप के समर्थक एक दूसरे के आमने सामने आ गए। इस हिंसक झड़प में कई लोगों की घायल होने की भी खबर है। चुनाव में हार के बाद ट्रंप जिस तरह से कोशिशों में जुटे हैं, उसके समर्थन में लोग सड़क पर उतर गए हैं। बाइडेन ट्रंप समर्थकों ने एक दूसरे पर चाकू से वार किया। चाकू लगने से कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों के 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। वॉशिंगटन DC के अलावा भी कई शहरों में झड़पें हुई हैं। इससे ठीक पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिकन की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था जिसमें बाइडेन की जीत को पलटने की मांग की गई थी। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।